हाय बच्चों, आई होप आप सब सेफ होंगे और बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम्स के लिए है रेगुलरली पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स। सुन के हमें इतना डर लगता है हाफ ईयरली एग्जाम से, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये इतने कॉन्फिडेंस और इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल रही है, तो वो इसलिए क्योंकि आप अन अकेडमी के वीडियोस देख रहे हो और अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। क्यों? क्योंकि यू गेट टू लर्न फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स एट अन अकेडमी। ये टॉप एजुकेटर्स पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होते हैं एंड व्हेन यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स यू लर्न द बेस्ट। सो यू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो इतने बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, और जब आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे एजुकेटर से पढ़ेंगे तो मार्क्स तो गारंटीड है ना यार। तो इसलिए अन अकेडमी इज द बेस्ट लर्निंग ऐप इन इंडिया एंड आपके जो मार्क्स है, रिजल्ट है, वो गारंटीड है अन अकेडमी के लिए। बट आपको अगर अपने रिजल्ट इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस। आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको SST पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, या फिर आगे के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, या इवन अगर आप कोई UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि कोई कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे UPSC या फिर JEE मेंस या फिर UGC नेट, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, अन अकेडमी पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यस, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है एंड यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ टू एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। एंड एक बहुत काम की चीज एक और है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, दैट इज PJAIN10, जो कि आपकी स्क्रीन पे नीचे भी लिखा हुआ है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सीधे सीधे 10% ऑफ मिलेगा। यस, यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं उसमें मेरा कोड यूज करिए और सब में आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आपको हाथ से जानी ही नहीं चाहिए, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब ये तो हो गई अन अकेडमी पे सब्सक्राइब कैसे करना है और मेरा कोड यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट्स है, बट अन अकेडमी पे सब्सक्राइब क्यों करें? क्यों करें? मैंने कह दिया और आप कर लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अन अकेडमी इतने सारे बेनिफिट्स देता है कि आपके रिजल्ट्स आपको इम्प्रूव होते हुए एक वीक में दिख जाएंगे। कैसे? अन अकेडमी आपको सारा स्टडी मटेरियल देगा, अन अकेडमी आपको एक स्टडी प्लानर देगा जिससे आप देख सकते हैं कि पूरे मंथ में या पूरे वीकली में आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, किस तरह से वो चैप्टर्स कवर करने हैं, ये पूरा एक स्टडी प्लान करके अन अकेडमी आपको देगा। प्लस यू विल गेट मेंटर्स हु विल यू नो जस्ट गाइड यू ऑन अ पर्सनल बेसिस। देयर विल बी लाइव सेशंस, आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हैं। देयर विल बी वीकली रिपोर्ट्स, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। वीकली रिपोर्ट्स बेसिकली आपको ये बताएगी कि पूरे वीक में आपकी क्या प्रोग्रेस रही है, आपके क्या क्या कहाँ कहाँ आपने इम्प्रूव किया है, कहाँ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी पूरी जो परफॉर्मेंस है उसका एक एनालिसिस करके आपको एक वीकली रिपोर्ट मिलेगी। मैं यहाँ बेनिफिट्स अन अकेडमी के पूरे दिन बोल सकती हूँ, पूरे दिन इनके बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन तब भी अन अकेडमी के जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस हमें बिल्कुल नहीं करना है। अभी के अभी जस्ट राइट नाउ डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJAIN10, क्योंकि इससे आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा। तो बेनिफिट्स तो आपके लिए बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। ग्रैब कैसे करनी है वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अभी के अभी जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप, एनरोल योर सेल्फ, यूज माई कोड एस ऑल योर एग्जाम्स, बिकॉज एट अन अकेडमी यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स एंड यू लर्न द बेस्ट। तो मार्क्स तो अच्छे आने हैं ना। नाउ अब तक तो मैंने अन अकेडमी के बारे में बात की थी कि अन अकेडमी के क्या बेनिफिट्स हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अन अकेडमी। आई टीच सोशल साइंस टू क्लास 7 एंड आई हैव डन माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये तो थी मेरे बारे में बात। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं।
आते हैं ज्योग्राफी के, दैट इज चैप्टर 8, जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अच्छे से। एंड इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ये चैप्टर का नाम जितना डिफिकल्ट सुनने में लग रहा है ना कि बाप रे इतना लंबा नाम है, क्या क्या होगा इस चैप्टर में, तो बच्चों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना डिफिकल्ट शायद ये नाम चैप्टर का नेम सुनने में लग रहा है उतना ही इजी ये चैप्टर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपको जो है पूरा वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखना है, सो स्टे ट्यून्ड। बट बिफोर दैट हम चैप्टर तो पढ़ लेंगे, चैप्टर में क्या क्या बातें हैं वो सब हम अच्छे से कवर कर लेंगे, बट हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट रह जाएगी। अब वो कैसे इनकम्प्लीट होगी, वो ऐसे इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर पहले हम ये ना समझे कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं या जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर है उस सब्जेक्ट के बारे में ही अगर हम नहीं समझे तो हमारी नॉलेज तो इनकम्प्लीट है ना। तो पहले हम समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है, ये जो वर्ड है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है। सो ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जियो एंड ग्राफी। जियो का ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड होता मीनिंग होता है अर्थ, और ग्राफी का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है राइटिंग। तो अगर मैं लिटरल टर्म्स में बात करूं तो इट इज बेसिकली राइटिंग्स ऑफ द अर्थ, या अर्थ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है ना। नाम से तो हमें यही समझ आता है, बट वेन वी कंबाइन दीज टू टर्म्स दैट इज जियो एंड ग्राफी एंड मेक इट वन वर्ड दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी कि हम ज्योग्राफी के अंदर अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ पे क्या वेजिटेशन होती है, अर्थ पे अलग अलग जगहों पे क्या क्लाइमेट होते हैं, अर्थ की कितनी लेयर्स होती है, क्या कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या ओशंस हैं, अर्थ के बारे में हम सब कुछ अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो उसका नाम है ज्योग्राफी। तो आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बुक खोलोगे ज्योग्राफी की तो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि ज्योग्राफी मतलब मैं अर्थ से रिलेटेड ही कुछ पढ़ने वाला हूँ या कुछ पढ़ने वाली हूँ। तो आई होप ज्योग्राफी का मतलब आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जान लेना बहुत जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, पहला टर्म है ट्रिब्यूटरी। अब ये ट्रिब्यूटरी क्या होता है, स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर, यानी कि एक मेन रिवर होता है, एक मेन नदी होती है, और जो छोटी छोटी नदियां जाके उस मेन रिवर में मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। अभी के लिए इतना समझ लो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ट्रिब्यूटरीज क्या है। फिर आता है रिवर बेसिन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें जानना चाहिए, दैट इज रिवर बेसिन। अब रिवर बेसिन में क्या होता है, सो जो मेन रिवर है और उसके साथ साथ मेन रिवर की जो छोटी छोटी नदियां यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज जिस एरिया में जाके गिरते हैं यानी कि जिस एरिया में जाके ये ड्रेन होते हैं उस एरिया को हम कहते हैं रिवर बेसिन। रिवर बेसिन को हम कह सकते हैं कैचमेंट एरिया भी। तो आई होप ये क्लियर होगा कि जो मेन रिवर होता है उसकी जो छोटी छोटी नदियां जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, और जब मेन रिवर अलोंग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज यानी कि स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर, सो मेन रिवर अलोंग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर ये गिरती है एंड उस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं हम रिवर बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया। जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है उसको हम कहते हैं अमेज़न बेसिन। सो द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द एंटायर वर्ल्ड इज अमेज़न बेसिन। इसके बारे में हम बहुत डेप्थ में अभी पढ़ने वाले हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रिवर माउथ। रिवर माउथ क्या होता है, जब कोई नदी एक जगह से फ्लो होकर किसी दूसरी वाटर बॉडी में मिलती है तो उस जगह को हम कहते हैं रिवर माउथ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर है और वो जाके किसी सी या ओशन में मिल रही है तो उस जगह को हम कहते हैं रिवर माउथ। सो द प्लेस वेयर रिवर फ्लोज इनटू अनदर वाटर बॉडी इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। आई होप ये तीनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर होंगे, ट्रिब्यूटरी, रिवर बेसिन और रिवर माउथ।
नहीं भी है तो अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर को तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अमेजॉन बेसिन के बारे में पढ़ना। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, अमेजॉन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द एंटायर वर्ल्ड। अमेजॉन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, दे फॉर्म द अमेजॉन बेसिन। हमने क्या पढ़ा था कि जो छोटी छोटी नदियां जब मेन रिवर में जाके मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, है ना। हमने ये पढ़ा था। फिर हमने सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टर्म था वो ये पढ़ा था कि जब ये ट्रिब्यूटरीज एंड जो मेन रिवर है ये जिस भी एरिया में ड्रेन करते हैं, यानी कि जिस भी एरिया में जाके बहते बहते गिरते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं रिवर बेसिन। तो हमें ये पता है कि जो मेन रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलके बनाती है एक रिवर बेसिन, है ना। तो अब हम कह रहे हैं कि जो अमेजॉन बेसिन है वो अमेजॉन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। तो ये तो एकदम क्लियर है, बेसिन कैसे बनता है, एक मेन रिवर और उसकी जितनी भी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाके ड्रेन होती है। तो अब अमेजॉन बेसिन के साथ भी यही किस्सा होने वाला है ना। तो अमेजॉन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दे फॉर्म द अमेजॉन बेसिन। अब इसकी लोकेशन क्या है, इट इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर भी लैटिट्यूड्स कौन सी, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे ये रिवर बेसिन सिचुएटेड है। इसके वेस्टर्न साइड में है बहुत सारे माउंटेन्स यानी बहुत सारे पहाड़, और ईस्ट साइड में है अटलांटिक ओशन। तो ये इसके काइंड ऑफ लोकेशन के अंदर ही आ गया। तो लोकेशन है इक्वेटर के पास, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में जो है ये बेसिन सिचुएटेड है। इसके वेस्टर्न साउड पे वेस्टर्न साइड पे बहुत सारे माउंटेन्स है और ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन। तो ये तो है इसकी पूरी लोकेशन। अब बात आती है कि सिक्स कौन से एरियाज हैं जहां पे ये रिवर बेसिन कवर करता है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ये रिवर बेसिन कवर करता है, तो कंट्रीज है ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला के थोड़े बहुत पार्ट्स। यानी कि ये जो साउथ अमेरिका में जो अमेज़न नदी बहती है, उन नदी और वो जो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो फॉर्म करते हैं अमेज़न बेसिन। अगर आप मैप में देखेंगे तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज दैट आर बीइंग कवर्ड बाय द अमेज़न बेसिन। ये कंट्रीज कौन कौन सी है, सो इट इज ब्राजील। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट पोर्शन जहाँ पे ये अमेज़न की जो नदी है वो मेजरली ब्राजील के अंदर ही है। ब्राजील के बाद अगर कोई कंट्री है तो दैट इज बोलीविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला के बहुत छोटे छोटे और कम पार्ट्स हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे जो अमेज़न बेसिन है ये इन कंट्रीज को कवर करता है। और ये अमेज़न बेसिन ये जो मेन रिवर है, अगर आप ध्यान से इस मैप को देखोगे तो ये छोटी छोटी जो नदियां हैं ये जो मेन रिवर से जो बाहर की तरफ जो लाइन आ रहे हैं, अगर आप मेरे कर्सर को देखोगे तो ये जो छोटी छोटी नदियां इस मेन रिवर में जाके मिल रही हैं एंड टुगेदर दिस मेन रिवर अलोंग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये जो सारी जो लाइंस मेन रिवर से बाहर निकल रहे हैं, सो मेन रिवर अलोंग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द अमेज़न बेसिन। ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये है साउथ अमेरिका में। ये पूरा बेसिन किन किन एरियाज को कवर करता है, तो इट कवर्स ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। सो आई होप अमेज़न बेसिन की जो पूरी लोकेशन है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, कौन कौन सी कंट्रीज ये कवर करता है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अमेज़न बेसिन के क्लाइमेट की भाई यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट रहता है। तो जैसा मैंने बताया ये कहाँ पे है, ये एकदम इक्वेटर के पास है, इक्वेटोरियल रीजन में है। और हमने पहले के चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि इक्वेटर के पास जो भी कंट्रीज होती हैं या जो भी एरिया होता है वहां पे सन की जो है डायरेक्ट रेज आती हैं। अब जिस भी एरिया में सन की डायरेक्ट रेज आएंगी तो वहां तो बहुत ऑब्वियस बात है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सूरज ज्यादा जो है, सूरज की जो किरणें है वो डायरेक्टली जाके उस एरिया को हिट कर रही है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ऑब्वियसली बहुत हॉट होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी।
हमने ये भी पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे जो वाटर वेपर्स हैं, जो वाटर है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है तो फिर सॉरी क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ऊपर जाके, क्योंकि वाटर वेपर्स ऊपर 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 जाके क्लाउड फॉर्म कर देते हैं, और जैसे ही क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं बारिश होती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, हमें पता है हॉट है, तो इवेपोरेशन जो है बहुत जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो यानी वाटर वेपर्स बहुत जल्दी ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म करेंगे। जितने ज्यादा क्लाउड्स फॉर्म होंगे उतने ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है। हॉट यानी बहुत गर्मी, वेट यानी यहाँ पे उतनी ज्यादा बारिश भी होती है। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अब दिन की बात करें और इवन रात की भी बात करें, तो दिन और रात यानी कि डे एंड नाइट आर इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब एयर में जो है बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, चिपचिपापन है ना। ये भी हम पहले के चैप्टर्स में सब पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। नहीं है तो प्लीज गो बैक टू माई प्रीवियस चैप्टर्स, वहां पे आपको डिटेल में सारी चीजें मैंने समझाई है। जितने भी चैप्टर्स हैं एयर पे है, वाटर पे है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो आप प्लीज जाके वो पहले के वीडियोस देखो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आपकी टिप्स पे ये सारी चीजें याद हो जाए। क्योंकि अगर टिप्स पे होगा तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम से पहले, आपको सब एकदम टिप्स पे होगा और आप एकदम पेपर में ऐसे लिख के आओगे, क्योंकि आपको सब लॉजिक के साथ समझ आएगा। तो यहाँ पे जो है ये इक्वेटर रीजन होने के कारण बहुत हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। जो दिन और रात के टेम्परेचर होते हैं, डेज एंड नाइट्स आर इक्वली हॉट एंड इक्वली ह्यूमिड। दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं और बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी होती है। नाइट के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। और यहाँ पे जो बारिश है यानी कि रेन्स है, ये ऑलमोस्ट हर दिन होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो रीजन है इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आती है। अब डायरेक्ट सनरेज आती है तो वाटर जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है तो ऊपर जाके वाटर वेपर्स क्लाउड फॉर्म करते हैं, और जितनी जल्दी क्लाउड फॉर्म्स होते रहेंगे उतनी जल्दी बारिश भी होती रहेगी। तो दैट्स द होल लॉजिक, यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है। दिन और रात दोनों में ही बहुत गर्मी रहती है और बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर रहते हैं। बस इतना सा फर्क है कि रात के टाइम पे टेम्परेचर थोड़े से कम हो जाते हैं, बट ह्यूमिडिटी तो दोनों डे एंड नाइट दोनों टाइम ही बहुत हाई रहती है। और यहाँ पे जो बारिश है वो ऑलमोस्ट हर दिन होती है। आई होप क्लाइमेट आपको अमेजोन बेसिन का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अमेजोन बेसिन के रेन फॉरेस्ट की, यानी कि यहाँ पे जो जंगल है, रेन फॉरेस्ट है, उनके क्या फीचर्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ हर दिन ही बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि बहुत घने जंगल यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। और वो जंगल इतने घने होते हैं कि जो ट्रीज होते हैं जंगल के वो इतने लंबे होते हैं, और उनके जो सबसे ऊपर की जो लीव की ब्रांच होती है, यानी कि जो टॉप लेयर होती है ट्री की, जिसे हम कैनोपीज भी कहते हैं, ये भी हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो कैनोपीज होती है वो इतनी थिक होती है, इतने ज्यादा घने जंगल होते हैं कि यहाँ पे जो है सनलाइट भी अंदर तक नहीं आ पाती। यानी कि जो ऊपर की लेयर है, जो थिक कैनोपीज है ट्रीज की ऊपर की लेयर, वो इतनी घनी होती है, इतने सारे होते हैं और इतने पास पास वो पेड़ होते हैं कि जो सनलाइट है वो नीचे तक लैंड तक पहुंच ही नहीं पाती। सो बिकॉज ऑफ द थिक कैनोपीज सनलाइट डू नॉट एंटर एंड डू नॉट टच ऑन द लैंड ऑफ दिस रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे है ना प्लांट पैरासाइट्स भी बहुत सारे ग्रो होते हैं। प्लांट पैरासाइट्स आपने आई एम श्योर साइंस में पढ़ा होगा। पैरासाइट्स यानी क्या, प्लांट पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और जो मेन प्लांट है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो पानी है वो सब यूज कर लेते हैं। यानी कि ये मेन प्लांट है, ये एक ट्री है और मैं जाके इस पे चिपक गई,
मैं इसी के घर पे जबरदस्ती रहने लग गई, इसी के घर का खाना भी खा रही हूँ, इसी का पानी भी पी रही हूँ। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट पैरासाइट्स। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप के प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑर्किड्स होते हैं, यहाँ पे ब्रोमीलियाज होते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, बट आप ये दो नाम याद रख लीजिए, ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलियाज। बात करते हैं इन रेन फॉरेस्ट की फौना की, यानी कि यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, किस टाइप की बर्ड्स यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं, जो यहाँ पे कॉमनली फाउंड होती हैं, तो दोस बर्ड्स आर टाउकिंस, हमिंग बर्ड्स एंड बर्ड ऑफ पैराडाइज। और जो एनिमल्स यहाँ पे बहुत इजीली दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, वो है मंकीज, स्लॉथ एंड ईटिंग टैपिड्स, यानी कि टैपिड्स एक काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं जो चींटियों को खाते हैं। सो एंड ईटिंग टैपिड्स आर ऑल्सो कॉमनली फाउंड इन दिस प्लेस। इसके अलावा अगर जो दूसरे यहाँ पे जो दूसरे टाइप ऑफ फौना मिलती है, यानी दूसरे टाइप के जो जानवर यहाँ पे मिलते हैं, तो क्रोकोडाइल्स, पाइथन, एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर, पिरहाना फिश, ये सब बहुत कॉमन है। ये क्रोकोडाइल, पाइथन, एनाकोंडा तो थोड़े रेप्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं, बट दीज आर सम अदर फौना विच इज वेरी कॉमनली फाउंड इन अमेजॉन बेसिन। तो आई होप आपको फ्लोरा जो है पैरासाइट प्लांट्स का वो क्लियर होगा, और जो फौना है यानी कि जो एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं वो भी एकदम आपको क्लियर होगा। बात करेंगे यहाँ की लोगों की। ये जो अमेजॉन बेसिन के रेन फॉरेस्ट है, वहां पे ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रहता ही होगा, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई तो रहता ही है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं, किस टाइप का कल्टीवेशन करते हैं, हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आदमी होते हैं यानी कि जो मेन होते हैं, दे डू हंटिंग एंड फिशिंग, यानी कि ये शिकार करते हैं और ये फिशिंग करते हैं। वहीं अगर यहाँ की जो औरतें हैं उनकी बात करूं, तो वेमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, यानी जो वेमेन है दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर वाला पार्ट, एंड मेन दे मोस्टली डू हंटिंग एंड फिशिंग। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो वेमेन करती है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, सो वेमेन प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अरे बाप रे, इतना बड़ा वर्ड मैंने बोल दिया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये क्या होता है, ये हम थोड़ी सी देर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे मेनली क्या ग्रो होता है। तो यहाँ पे टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो आर मेनली ग्रोन हियर। यहाँ की स्टेपल फूड क्या होती है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो कॉमनली क्या खाते हैं, सो दे ईट मैनियोक। यहाँ का स्टेपल फूड जो है दैट इज मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। एंड यहाँ की कैश क्रॉप्स, यानी कि जो कमर्शियल वैल्यू जिन क्रॉप्स की है, जो यहाँ के फार्मर्स मार्केट में सेल करते हैं और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं या फिर दूसरे पार्ट में इम्पोर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। एंड यहाँ पे कौन कौन सी कैश क्रॉप्स बहुत कॉमनली फाइंड होती है, बहुत कॉमनली ग्रो होती है, सो दीज कैश क्रॉप्स इंक्लूड कॉफी, मेज एंड कोकोआ। तो ये यहाँ की मेन कैश क्रॉप्स है, और यहाँ के लोग क्वीन एंट्स को खाते हैं और एग सैक को भी खाते हैं। सो आई होप यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट के जो लोग हैं उनके बारे में आपको अब अच्छे से पता होगा कि वो क्या करते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन करते हैं, या क्या ग्रो करते हैं यहाँ पे, यहाँ का स्टेबल फूड क्या है, कैश क्रॉप्स क्या है। आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, थोड़ी सी देर में पढ़ने वाले हैं, तो वो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि यहाँ की जो विमेन है रेन फॉरेस्ट की, दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और ये क्या होता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझो इस बात को, बिकॉज काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कि क्या होता है, एक अच्छा 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या लिख के आना है। तो पहले हम समझेंगे स्लैश एंड बर्न क्या होता है, ताकि आप एग्जाम में वो सब लिख कर आ सको, है ना। तो स्लैश एंड बर्न क्या होता है, यहाँ की जो विमेन है ये क्या करती है, ये पहले एक लैंड लेती है, यानी एक जमीन लेती है, और उस जमीन पे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, उन सबको काट देती है, उन सबको क्लियर कर देती है। तो यानी कि फिर एकदम क्लीन लैंड हो जाती है, और फिर
जब वो सारी ट्रीज और सारे प्लांट्स को कट कर देती है, फिर उस लैंड को आग लगा देती है। दे बर्न दैट लैंड। जब वो लैंड को आग लगा देती है तो इससे क्या होता है, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज हो जाते हैं, यानी कि जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। फिर थोड़े टाइम तक जो विमेन है दे कल्टिवेट दैट लैंड, क्योंकि सॉइल में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी लैंड बन जाती है ना। सो द क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर फील्ड फॉर फ्यू ईयर्स, बट थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, फिर ये जो सॉइल है ये धीरे धीरे अपने सारे न्यूट्रिएंट्स खोने लगती है। तो जब ये सॉइल फिर से इनफर्टाइल हो जाती है, सब जब अपने सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से खो देती है, तो ये विमेन क्या करती है, ये उस लैंड को छोड़ देती है, क्योंकि उस सॉइल में कुछ बचा ही नहीं है ना, तो ये उस लैंड को छोड़ देती है। फिर एक नई लैंड ढूंढती है, वहां के सारे ट्रीज एंड प्लांट्स को कट करती है, फिर से उसे जलाती है उस नई लैंड को, और 5-10 साल फिर वहां पे अपनी खेती बाड़ी करती है। तो ये क्या करते हैं, दे कल्टिवेट अ लैंड, दे क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय कटिंग डाउन ऑल द ट्रीज एंड बुशेस, देन दीज लैंड्स आर बर्न व्हिच रिलीजेस सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, देन ऑन दिस क्लियर्ड सॉइल क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सर्टेन ईयर्स, बट आफ्टर रिपीटेड यूज द सॉइल स्टार्ट लूजिंग इट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि धीरे धीरे जो सॉइल है अपने न्यूट्रिएंट्स सारे खो देती है। तो जब ये सॉइल अपने सारे न्यूट्रिएंट्स खो बैठती है तो ये विमेन भी उस जमीन को छोड़ देती है और एक नई जमीन को क्लियर करती है, दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट, और जब उसके साथ भी यही प्रोसेस करती है, उसको भी सारे क्लियर करके जलाती है, फिर थोड़े साल वहां पे खेती बाड़ी करती है, फिर थोड़े साल बाद वहां की जो सॉइल है वो भी अपने न्यूट्रिएंट्स वापस खो देती है। इस कारण से वो जो पहले वाली लैंड थी ये वापस वहीं पे आके अपनी खेती बाड़ी करने लग जाती है और पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। सो यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड एंड पीपल कैन कल्टिवेट इट अगेन। मतलब बहुत इजी सा प्रोसीजर है। क्या होता है, विमेन एक लैंड लेती है, उसके सारे पेड़ पौधे काट देती है और उस लैंड को जला देती है। जला देती है तो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जब सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे ये जो औरतें हैं थोड़े टाइम तक वहां पे अपनी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, बट थोड़े टाइम बाद ये लैंड फिर से अपनी फर्टिलिटी खो बैठती है, सारे जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाते हैं। इस टाइम पे अब फिर ये जो विमेन है दे फाइंड अ न्यू लैंड और वहां पे पूरा प्रोसीजर फिर से फॉलो करती है, सारे पेड़ पौधे उस नई जमीन के काटती है, उस नई जमीन को जलाती है, फिर वहां पे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, फिर थोड़े टाइम तक वहां पे अपनी क्रॉप्स ग्रो करती है, पर थोड़े टाइम बाद फिर वो सॉइल भी इनफर्टाइल हो जाती है, तो ये जो नई लैंड की सॉइल फिर से इनफर्टाइल हो गई, तो ये वापस अपनी पुरानी लैंड पे आ जाती है, वहां पे 5-10 साल खेती बाड़ी करती है, फिर जब वहां की सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाती है तो ये वापस दूसरी लैंड पे चली जाती है। तो एक ऑसिलेशन टाइप ऑफ प्रोसेस चलता रहता है, पहले इस लैंड से, फिर यहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खराब हो गई तो उस लैंड पे चले जाओ, उस लैंड की खराब हो गई तो वापस इस लैंड पे आ जाओ, इस लैंड पे ग्रो करो, फिर इसकी खत्म हो गई तो वापस उधर, मतलब ऐसे आगे पीछे लोग करते ही रहते हैं, एक लैंड पे ग्रो करते हैं फिर वापस दूसरी लैंड पे चले जाते हैं, दूसरी लैंड के बाद वापस पहली वाली पे आ जाते हैं। तो एक प्रोसेस जो है, एक जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है और इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो आई होप आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अब हम रेन फॉरेस्ट के पीपल के बारे में ही थोड़ा सा और पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जो रेन फॉरेस्ट है, हमने अभी तो पढ़ लिया कि रेन फॉरेस्ट में बहुत घना जंगल होता है, बहुत बड़ा जंगल होता है, बहुत सारे पेड़ यहाँ पे होते हैं, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा हमें लकड़ी मिलेगी, और जितनी ज्यादा हमें लकड़ी मिलेगी उतने ज्यादा यहाँ पे घर होंगे। तो रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद द वुड एंड दिस वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस। अब हाउसेस भी किस टाइप के हाउस, तो यहाँ पे बी हाइव के जैसे थैट हाउसेस होते हैं, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है
उसके शेप जैसे यहाँ पे घर होते हैं, थाट हाउसेस होते हैं, और यहाँ पे मैलो का भी होता है। अब मैलो का क्या होता है? मैलो का इज बेसिकली लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेस विथ स्टीपली स्लांटिंग रूफ। बाप रे, मैम ने तो पता नहीं कितनी बड़ी लाइन बोल दी, कुछ समझ ही नहीं आया, सब सर के ऊपर से चला गया। तो डरने की फिर से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम अब एक्सप्लेन भी तो करेगी मैलो का होता क्या है। तो मैलो का इज बेसिकली लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज, यानी कि जो अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं और उनकी जो रूफ होती है वो एकदम स्लांटिंग होती है, एकदम स्लांटिंग। हमने पढ़ा था यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इस कारण से जो स्लांटिंग रूफ होती है यहाँ से जो है पानी पूरा नीचे की तरफ बह जाता है और घर के ऊपर इकट्ठा नहीं होता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। लेकिन ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, यानी कि जितने नए नए यहाँ पे घर बन रहे हैं और अलग अलग टाइप के यहाँ पे घर बन रहे हैं, इससे जो है यहाँ पे रेन फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो रेन फॉरेस्ट है ये बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। कैसे डैमेज हो रहे हैं? क्योंकि लोग अपने घर बना रहे हैं तो उतने ज्यादा पेड़ काटते जा रहे हैं, काट रहे हैं। दे आर कटिंग डाउन द ट्रीज एंड देन दे आर यूजिंग दैट वुड आफ्टर कटिंग डाउन द ट्रीज। तो जैसे जैसे पेड़ काटते जा रहे हैं लोग, ये रेन फॉरेस्ट जो है बहुत कम होते जा रहे हैं। एंड बिकॉज ये रेन फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट में जो इंडिजिनस पॉपुलेशन रहती थी, यानी कि वो पॉपुलेशन जो सदियों से इन्हीं रेन फॉरेस्ट में रह रही थी, मतलब सिंस टाइम इमेमोरियल यहीं पे ही रह रही थी, उन सबको अब अपने घर छोड़ छोड़ के दूसरे नए इलाकों में सेटल होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रेन फॉरेस्ट तो खत्म होते जा रहे हैं, रेन फॉरेस्ट बच ही नहीं रहे हैं। पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज एंड बिकॉज दे आर कटिंग डाउन ट्रीज द साइज ऑफ दिस रेन फॉरेस्ट आर इज कोलैप्सिंग, इट्स गेटिंग रिड्यूस्ड एवरी ईयर। तो इस कारण से लोगों को अपने लिए नए घर ढूंढने पड़ रहे हैं, नई जगह पे जाके शिफ्ट होना पड़ रहा है। प्लस जब आप पेड़ काट देते हो तो जो टॉप सॉइल बचती है, जब भी यहाँ बारिश होती है तो वो टॉप सॉइल बारिश के पानी के साथ ही बह जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो मैं बताती हूँ। जब पहले यहाँ पे पेड़ थे तो जब भी बारिश होती थी तो दीस ट्रीज यूज टू एब्सॉर्ब दैट रेन, राइट? ये जो जितने भी ट्रीज थे वो एब्जॉर्ब कर लेते थे पानी को। बट अब ट्रीज तो है ही नहीं, सब हमने काट दिए। तो क्या होता है, जब भी बारिश होती है जो टॉप सॉइल होती है, यानी सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो पानी के साथ बह जाती है। अब पानी के साथ बह जाती है तो ये जो रेन फॉरेस्ट है ये धीरे धीरे बैरन लैंडस्केप बनते जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे बंजर जमीन बनती जा रही है। जस्ट इमेजिन एक जगह आपका एकदम डेंस और हाईली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट है जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, और वो धीरे धीरे सिर्फ एक बंजर जमीन, खाली जमीन बनती जा रही है। तो इतना डिस्ट्रक्शन जो है यहाँ के लोगों ने कर दिया है, एंड इस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण जो है रेन फॉरेस्ट आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग, दे आर बींग डैमेज्ड। ये तो थी अमेजॉन बेसिन की बात, जहाँ पे हमने उसका क्लाइमेट पढ़ा, उसका फ्लोरा फौना हमने समझा, वहाँ के लोगों के बारे में हमने पढ़ा, फीचर्स हमने देखे इस पूरे अमेजॉन बेसिन के। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट वन अनदर बेसिन एंड दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ये बेसिन इंडिया के अंदर है, और आप मैप देख के भी आपको समझ ही आ गया होगा, ये जो ब्लू ब्लू लाइन्स है ये इतना बड़ा एरिया जो है That makes गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो हम बात करेंगे, हमने अभी तक पढ़ा था कि बेसिन, कोई भी रिवर बेसिन कैसे बनता है, जब एक मेन रिवर के साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि जो छोटे छोटे रिवर्स हैं, जब वो आके एक मेन रिवर से मिलते हैं, एंड वेन दिस मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन अ पर्टिकुलर एरिया, तो दैट्स हाउ अ रिवर बेसिन इज फॉर्म, राइट? अब तक तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है उनसे मिलके ये बेसिन बना होगा, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इट इज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था।
अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सब इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की लोकेशन भी जान ली, ये कहाँ पे है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसके बीच में ये सब ट्रॉपिकल रीजन ये के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन होता है। तो हमने ये बेसिन कैसे बनता है वो हमें पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी से ये बेसिन बनता है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है तो वो भी हमने पढ़ ली, और जो लोकेशन है इस बेसिन की, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन की, वो भी हमने अच्छे से पढ़ ली है और समझ ली है। अब यहाँ की मेन फीचर्स में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो इतना बड़ा बेसिन है इसके कौन कौन से मेन फीचर्स हैं? तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, यहाँ पे हिमालय के माउंटेन्स हैं और फुट हिल्स भी हैं, यानी कि माउंटेन के नीचे जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, यानी कि जो माउंटेन के फुट पे, माउंटेन के पैर की, ये थोड़ा इमेजिनरी एक परसोनिफाइड वर्ड हम कह सकते हैं कि जो माउंटेन्स है उसके जो नीचे वाला एरिया पे जो छोटे छोटे हिल्स हैं, वो फुट हिल्स हैं हिमालयस के, वो भी यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी है और यहाँ पे ऑक्स बो लेक्स भी है। ऑक्स बो लेक्स हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था अगर आपको याद हो, कि व्हेन अ रिवर एंटर्स अ प्लेन सर्फेस इट मूव्स बाय टेकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, इन ट्विस्ट एंड टर्न्स से बनते हैं मियांडर्स, और मियांडर्स की जो रिवर बैंक्स पे आके जो क्या है सॉइल और छोटे छोटे जो रॉक्स हैं वो आके जमा हो जाते हैं, जिसके कारण इन मियांडर्स का साइज बहुत कम होने लगता है। और जैसे जैसे साइज कम होने लगता है तो ऐसा भी होता है एक छोटा सा लेक का टुकड़ा मेन मियांडर से अलग हो जाए। ये जो अलग हुआ वह लेक होता है इसको हम कहते हैं ऑक्स बो लेक, एक कट ऑफ लेक, यानी कि मेन रिवर से जो कट हो जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्स बो लेक। तो ये थे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के मेन फीचर्स। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स हैं, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टास हैं और यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स भी हैं। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे जो मॉनसून क्लाइमेट रहता है, यानी कि यहाँ पे बारिश जो है यूजुअली ज्यादा होती होगी, तो रेन्स हमेशा यहाँ पे मिड जून से लेके मिड सेप्टेम्बर तक होती है। यानी कि मान ली जून का आधा महीना जब निकल जाता है और आधा महीना बचा हुआ होता है तब बारिश स्टार्ट होती है, और सितंबर के आधे महीने तक बारिश रहती है। अब यहाँ की जो समर्स है यानी कि गर्मियाँ, वो बहुत हॉट होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और विंटर्स जो होती है विंटर्स में यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। तो यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे गर्मी भी अच्छी खासी होती है और यहाँ पे ठंड भी अच्छी खासी पड़ती है। तो ये तो था गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्लाइमेट। अब अगर हम यहाँ की टोपोग्राफी बात करें, टोपोग्राफी के बारे में, तो यहाँ के जो माउंटेन्स हैं यानी कि हिमालयन माउंटेन्स, उनकी जो स्लोप्स हैं बहुत स्टीप है, यानी कि बहुत ऐसे एकदम शार्प स्लोप्स हैं, एकदम ऐसे तीखे स्लोप्स हैं, और क्योंकि ऐसे एकदम शार्प स्लोप्स हैं, एकदम स्टीप स्लोप्स हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई रह नहीं सकता। एक लॉजिक की बात है ना, इतना अगर कोई स्टीप होगा तो यहाँ पे लोग ऐसे खड़े एरिया में घर कैसे बनाएंगे? वो घर तो नीचे की तरफ ही बह जाएगा ना, नीचे की तरफ गिर जाएंगे वो घर। तो यहाँ पे दैट्स वाई दिस इज एन इनहॉस्पिटेबल टेरेन, यहाँ पे कोई भी बसावट नहीं है, यहाँ पे कोई भी घर वगैरह नहीं है, कोई नहीं रहता माउंटेन्स के ऊपर। बट अगर मैं प्लेन्स की बात करूँ, यानी कि जो फ्लैट सर्फेस है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का, वहां पे जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, यानी कि सॉइल में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और हमने पढ़ा था जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट जगह होती है, वो खेती बाड़ी करने के लिए बेस्ट जगह होती है जहाँ पे भी फर्टाइल सॉइल होती है। एंड बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए वो बेस्ट जगह है, तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो प्लेन्स है
वो हाईली पॉपुलेटेड है। मतलब हमने ये पढ़ा कि जो माउंटेन्स है उनके जो स्लोप्स बहुत स्टीप होते हैं, बहुत ऐसे खड़े खड़े होते हैं, तो वहां पे कोई नहीं रह सकता, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन कोई रहता ही नहीं है माउंटेन्स पे। बट अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के प्लेन्स के बारे में बात करें, तो प्लेन्स की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, जिसके कारण एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकता है, और बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है तो प्लेन्स में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। इट्स हाईली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब यहाँ पे हमने बात किया बहुत फर्टाइल सॉइल होती है प्लेन्स में और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, तो यहाँ पे किस चीज का एग्रीकल्चर होता है, कौन सी क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है? तो यहाँ पे पैडी का कल्टिवेशन होता है। पैडी इज द मेन क्रॉप विच इज ग्रोन हियर। और पैडी शायद आपको थोड़ा सुनने में डिफिकल्ट लगे, आपको समझ भी नहीं आए कि पैडी क्रॉप कौन सी। तो पैडी मतलब होता है चावल, यहाँ पे जो है चावल की खेती होती है, राइस की खेती होती है जिसको पैडी भी कहते हैं। एंड चावल जो है ना, दैट इज वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, यानी कि उसको उस क्रॉप को ग्रो करने में बहुत पानी लगता है। और हमने पढ़ा यहाँ पे बारिश जो है बहुत अच्छी खासी होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे सफिशियंट क्वांटिटी में जो है पानी होता है, जिसके कारण से पैडी का कल्टीवेशन इन जगहों पे हो सकता है। तो आई होप आपको टॉपोग्राफी भी एकदम क्लियर होगी, माउंटेन में क्या होता है और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्या होता है, और मेन क्रॉप भी हमने पढ़ ली। बट उस मेन क्रॉप के अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे उगाई जाती है, और वो क्रॉप्स क्या है? तो यहाँ पे वीट उगाई जाती है, यहाँ पे मेज उगाई जाती है, सॉर्गम, ग्राम, मिलेट्स, दीज आर सम ऑफ द क्रॉप्स विच आर ग्रोन हियर। एंड कैश क्रॉप्स, जैसा कि हमने अमेजॉन बेसिन के टाइम पे भी पढ़ा था, कैश क्रॉप्स वहां पे तो कॉफी, कोकोआ और वो सब थी। बट गंगा ब्रह्मपुत्र की कैश क्रॉप्स क्या होती है? शुगर केन एंड जूट, यानी कि गन्ना और जूट यहाँ के कैश क्रॉप्स है। यहाँ पे कुछ एरिया में बनाना प्लांटेशंस भी होती है, यहाँ पे टी प्लांटेशंस यानी कि चाय की खेती भी होती है, और वो पर्टिकुलर एरिया में होती है। वो पर्टिकुलर एरिया कौन सा है? सो वेस्ट बंगाल एंड असम, वेस्ट बंगाल एंड असम में टी प्लांटेशंस होते हैं, यानी कि चाय की खेती होती है। और बिहार एंड असम में सिल्क का कल्टिवेशन भी होता है, यानी कि जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको कल्टीवेट करके एक सिल्क सिल्क यार्न बनाते हैं, उन सिल्क से साड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चीजें बनती है। तो जो सिल्क होता है वो भी बिहार एंड असम के एरियाज में सिल्क का कल्टीवेशन होता है। और जो थोड़े बहुत माउंटेन्स एंड हिल्स हैं जहाँ पे जो स्लोप्स हैं इतने स्टीप नहीं है, थोड़े जेंटल है, तो वहां पे है जो क्रॉप्स है वो टेरेसेस पे ग्रो होती है। तो वहां पे टेरेस फार्मिंग होती है माउंटेन्स एंड कुछ कुछ हिल्स में। तो आई होप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के सारे क्रॉप्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर होंगे कि यहाँ का मेन क्रॉप क्या है। यहाँ का मेन क्रॉप था पैडी। पैडी के अलावा यहाँ पे और भी दूसरे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे बनाना प्लांटेशन भी होते हैं, यहाँ पे टी प्लांटेशन भी है, और यहाँ पे सिल्क कल्टिवेशन भी है। आई होप क्रॉप्स भी आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ के फ्लोरा की, यानी कि वेजिटेशन कवर की। तो वेजिटेशन कवर जो है वो लैंडफॉर्म टू लैंडफॉर्म डिफरेंट होता है, यानी कि माउंटेन्स पे अलग टाइप की वेजिटेशन होगी, जो प्लेन सरफेस है वहां पे अलग टाइप की कल्टिवेशन होगी। जो हमने पढ़ा था सुंदरबन डेल्टास भी यहाँ पर है, तो सुंदरबन डेल्टास की अगेन अलग कल्टिवेशन होगी, है ना। तो एरिया टू एरिया यहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत अलग अलग होती है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन है यानी कि फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज होते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज क्या होते हैं, ये हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर 6 जो था वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वहां पे हमने सारे टाइप के जो है फॉरेस्ट और ट्रीज पढ़े थे। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वह बेसिकली मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, कि जब तक बारिश होती है तब तक वहां पे पेड़ में अच्छी अच्छी पत्तियां होती है, बट जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हो जाता है पेड़ अपनी जो पत्तियां गिरा देते हैं, दे शेड देयर लीव्स। तो ऐसे टाइप के ट्रीज को हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज।
फिर भी अगर आपको डेप्थ में समझना हो तो यू कैन गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैव एक्सप्लेन दिस इन डेप्थ कि कौन से फॉरेस्ट होते हैं और डेसीडियस फॉरेस्ट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या वाइल्ड लाइफ होती है, तो वो आप पहले वाले वीडियोस में देख सकते हो। बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रीज उगते हैं। कौन कौन से? पीपल का पेड़, सैल ट्रीज, टीक ट्रीज, ये सब आर सम ऑफ द ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रीज विच ग्रो इन द प्लेन एरिया। अब जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है यहाँ पे थिक बैम्बूज भी उगते हैं, यानी कि बैम्बू के जो मोटे मोटे जो बांस के पेड़ है वो भी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन में ग्रो होते हैं, क्योंकि अगेन बैम्बू को भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है कल्टीवेशन के लिए, और बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बैम्बूज ग्रो हेयर। अगर हम सुंदरबन डेल्टा एरिया की बात करें तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, और अगर हम स्पेसिफिक तीन स्टेट की बात करें दैट इज उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो तीन स्टेट्स हैं उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं, जैसे कि पाइन, दियोदर, फिर ये सब कोल्ड क्लाइमेट और स्टीप स्लोप्स वाले ट्रीज होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज मैंने बहुत अच्छे से पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जिन पेड़ों की जो पत्तियां एकदम नीडल जैसी होती है, एकदम सुई के शेप में होती है, ये जिप भी आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट तीन ट्रीज हैं एकदम ऐसी तीखी तीखी पत्तियां, एकदम नीडल की जैसे इसकी पत्तियां होती है, उन्हें हम कहते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। और ये कौन कौन से ट्रीज होते हैं? तो ये होते हैं पाइन ट्रीज, दियोदर ट्रीज एंड फिर ट्रीज। ये किस जगह में ग्रो होते हैं? तो हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं ये माउंटेन्स के ऊपर ही ग्रो होते हैं, माउंटेन्स के ट्रीज होते हैं, यानी कि ये कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं और बहुत स्टीप स्लोप्स होते हैं, बहुत ऐसे ऐसा माउंटेन है तो यहाँ पे एकदम स्टीप स्लोप्स पे ये लोग ग्रो करते हैं। तो ये था गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन का वेजिटेशन कवर। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि हमने वेजिटेशन की बात करी तो जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ की बात तो हमें करनी पड़ेगी ना, फ्लोरा एंड फौना एकदम ऐसे साथ साथ चलते हैं, है ना। तो अब हम फौना यानी कि वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो कॉमनली फाउंड एनिमल्स हैं वो है एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकी। अगर मैं पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात करूं तो यहाँ पे वन हॉर्न डायनासोरस मिलते हैं। अगर मैं डेल्टा एरिया यानी सुंदरबन डेल्टा की बात करूं तो वहाँ पे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये सब मिलते हैं। अगर मैं एक्वाटिक लाइफ की बात करूं यानी कि जो पानी, जो नदी है यहाँ पे, नदी में कौन कौन सी फिशेस मिलती है, तो यहाँ पे रोहू फिश मिलती है, कटला फिश मिलती है, हिल्सा फिश बहुत कॉमन है, कॉमन फिशेस है यहाँ की। और यहाँ की स्टेपल डाइट है राइस एंड फिश। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ की मेन क्रॉप क्या है? पैडी, पैडी यानी चावल। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती है, रोहू, कटला, हिल्सा, तो यहाँ की जो स्टेपल डाइट है यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो कॉमनली चावल और मछली ही खाते हैं, राइस एंड फिश। तो ये थी यहाँ की वाइल्ड लाइफ और स्टेपल डाइट क्या है वो सब हमने कवर कर ली। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। तो हमने जो पहले मैप देखा था गंगा ब्रह्मपुत्र का वो इतना बड़ा रीजन था, तो ऑब्वियसली इतने बड़े रीजन में कुछ तो इम्पोर्टेंट सिटीज, शहर होंगे ना जो हमें याद करने चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट सिटीज है यानी कि जो इम्पोर्टेंट शहर है इस पूरे बेसिन में, वो शहर है अलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। लेकिन यहाँ पे जो है इन जगहों पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी सिचुएटेड है, और इन इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो सारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण से जो ये जो रिवर है, जो बेसिन है, ये धीरे धीरे बहुत पल्यूट होता जाता है। द रिवर इज गेटिंग पल्यूटेड, वाई? बिकॉज द इंडस्ट्रीज विच आर सिचुएटेड इन दीज टाउन्स एंड सिटीज, द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज आर डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स, लीडिंग टू रिवर पॉल्यूशन। बहुत कॉमन सी बात है, जहाँ इंडस्ट्रीज होगी वो अपना गंदा पानी जो इंडस्ट्रीज का है वो नदियों में छोड़ते हैं, अब नदियों में छोड़ते हैं तो नदियाँ पल्यूट हो जाती है। इस कारण से गंगा और ब्रह्मपुत्र
बेसिन में जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे पल्यूट होती जा रही है। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, सारे ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क यहाँ पे है, रोडवेज भी है, रेलवेज भी अच्छा वेल कनेक्टेड है, एयरपोर्ट भी जगह जगह पे बने हुए हैं। सो देयर इज वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे कोलकाता जो सिटी है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, यानी कि वहां से जो है हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है कोलकाता में, जो कि विच इज सिचुएटेड ऑन रिवर हुगली। एक रिवर का नाम है हुगली, हुगली के इट इज द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन रिवर हुगली इज कोलकाता, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो ये जो है ये आपको ना 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, या फिर एमसीक्यूज में भी ये सब आ सकता है कि कोलकाता किस रिवर पे है, तो आपको याद रहना चाहिए रिवर हुगली पे। या फिर उल्टा भी आ सकता है कि रिवर हुगली पे कौन सी सिटी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, तो आपको याद रहना चाहिए कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन रिवर हुगली। आई होप इम्पॉर्टेंट सिटीज आपको क्लियर होंगी। अब हम टूरिज्म की बात करेंगे। टूरिज्म यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है जो आप घूम सकते हो। तो ताजमहल तो हम सबने सुना है, विच इज सिचुएटेड इन आगरा, इट इज लोकेटेड इन आगरा। अब ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यमुना जो है वो भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना के ऊपर ताजमहल, यमुना के पास बेसिकली ताजमहल की बसावट है आगरा में। इसके अलावा अलाहाबाद जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स गंगा एंड यमुना। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना का क्या मतलब होता है कि जिस जगह पे गंगा और यमुना मीट करती है, यानी कि जिस जगह पे ये दो नदियां मीट करती है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस, उस जगह पे अलाहाबाद सिटी सिचुएटेड है, और दूर दूर से लोग अलाहाबाद घूमने जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप भी समर वेकेशन में इन सब जगहों पे जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि हमें इन जगहों पे लेके चलो, ताकि आपको और क्लियर होगा। अलाहाबाद और ताजमहल के अलावा देर इज बुद्धिस्ट स्टूपास विच इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उसके अलावा लखनऊ में बहुत सारे इमामबाड़े हैं जो भी आप घूम सकते हो, और बहुत देश विदेश से लोग टूरिस्ट आते हैं इमामबाड़ा को देखने लखनऊ घूमने के लिए। असम में जो है काजीरंगा है, और काजीरंगा में बहुत नेशनल सेंचुरीज है जो आप घूम सकते हो। मानस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाओ तो अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल कल्चर है वो एकदम देखने लायक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज है, घूमने टाइप की जगह हैं जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से इन जगहों पे टूरिस्ट इन जगहों को घूमने आते हैं, इन जगह की हिस्ट्री जानने आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी भी कभी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन हो ना, तो अपने पेरेंट्स को कहना कि मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे इन जगहों पे जाके है जो है घूमना है, मुझे ताजमहल देखना है, मुझे अलाहाबाद देखना है, बुद्धिस्ट स्टूपास घूमने हैं, लखनऊ देखना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। या फिर हो सकता है आपने ऑलरेडी ये जगह घूमी भी हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसलिए ये टूरिज्म के हॉटस्पॉट है, यानी कि टूरिज्म इन जगहों पे बहुत ज्यादा है। ये था सब कुछ इस चैप्टर में, हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। हमने पहले अमेज़न बेसिन को समझा, वहां का क्लाइमेट हमने समझा, फिर फ्लोरा एंड फौना समझा, वहां की क्या मेन क्रॉप्स हैं वो सब देखा, और वहां के जो लोग हैं वो क्या कल्टीवेशन करते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब हमने समझा। फिर हमने बात की गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन की, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है, वहां का कैसा क्लाइमेट है, वहां की क्या फ्लोरा है यानी कि वेजिटेशन कवर क्या थी, वहां का क्या फौना है यानी वाइल्ड लाइफ क्या थी, वहां के इम्पोर्टेंट सिटीज हमने पढ़ी, वहां के टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं वो सब हमने देखे। एंड दैट जस्ट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही था जो हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया। एंड आई होप सारी चीजें आपको टिप्स पे होंगी, और आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, समझ के याद करो, हर चीज का लॉजिक से याद करो, और आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे, एंड आई एम श्योर आप सब अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गए, एंड यू विल एस ऑल योर एग्जाम्स। बट इफ यू वॉन्ट टू एस योर एग्जाम्स, तो आपको अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अनअकैडमी के अलग अलग फीचर्स हैं जिनके बारे में अब मैं बात करूंगी। सो
अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। अब ये फ्री है यानी कि मुफ्त है, समझ आ गया होगा। इन स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, तो इन स्पेशल क्लासेस में आपको आप यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर। यहाँ पे तो आप मेरे एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, बट अगर आप लाइव क्लासेस अनअकैडमी की जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो आप फ्री में बिना कोई पैसे दिए लाइव क्लासेस में पार्ट ले सकते हो। लाइव क्लासेस में आप इंटरैक्ट कर सकते हो एजुकेटर्स के साथ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनफैक्ट जो एजुकेटर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप उनके आंसर कर सकते हो, और आपके जो क्लासमेट्स हैं या कोई फ्रेंड्स हैं या आपकी ही एज के कोई कजिन्स हैं और वो भी अगर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप ये भी देख सकते हो कि जो सर या मैम ने जो एजुकेटर है उनने जितने क्वेश्चन पूछे उनमें से उनने कौन से सही दिए और आपने कौन से सही दिए, उनने कौन से गलत दिए, आपने कौन से गलत दिए। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट कर सकते हो, यू नो यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स। तो ये फीचर है अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस का जो कि फ्री है। अब हम बात करेंगे अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन फीचर्स की। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैं कहूँगी आप सब्सक्राइब कर लो तो वो तो ऑब्वियस बात है, मैं बोलूँगी और आप सब्सक्राइब कर लोगे, इतने अच्छे तो आप हो नहीं, इतना ट्रस्ट लेकिन आपको मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि अन अकेडमी को सब्सक्राइब करो तो आई मीन इट, बिकॉज आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, आप घर से किसी भी टाइम किसी भी घर के किसी भी कोने से आप पढ़ सकते हो अन अकेडमी पे। अन अकेडमी विल प्रोवाइड यू विद द स्टडी मटीरियल, आपके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, आपका पूरा सिलेबस अन अकेडमी कवर करके देगा आपको, आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे जहाँ पे आप आपके जितने भी अकेडमिक डाउट्स हैं वो सब एजुकेटर्स के साथ क्लियर कर सकते हैं आप। एंड जैसा मैंने स्टार्ट में भी कहा था, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, सो यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और आपको मेंटोर्स मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी पढ़ पाओगे, ऐसे प्रोग्रेस कर पाओगे, ऐसे इम्प्रूव कर पाओगे। लाइव टेस्ट होते हैं, और मैं कितने आपको और बेनिफिट्स बताऊं, इतने सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं, मैं यहाँ पूरा दिन खत्म हो जाएगा लेकिन अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स खत्म नहीं होंगे। और अगर आपको ये अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपकी स्क्रीन पे जो है अलग अलग पैकेजेस के रेट्स लगे हुए हैं कि 24 मंथ का अगर आप पैकेज लेते हो तो उसके आपको कितना देना पड़ेगा, 18 मंथ्स के कितने पैकेज, 15 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का अगर आप पैकेज देते हो। आपको जो भी पैकेज लेना हो एज पर योर कन्वीनियंस तो आप ले सकते हैं, बट उन पैकेजेस पे अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। कोड आपके स्क्रीन के नीचे दिया हुआ है, PJAIN10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको यू नो स्क्रीन के अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा 10% ऑफ होने के बाद क्या रेट्स हैं, और 10% अगर ऑफ नहीं होते तो कितने हाई रेट्स, थोड़े एक डिफरेंस आपको दिख जाएगा कि अगर 24 मंथ्स में आप बिना 10% के लेते हो आप तो आपको हर महीने 1042 रुपीज पे करना पड़ेगा, बट अगर आप 10% डिस्काउंट यानी कि मेरा कोड यूज कर लेते हैं तो 24 मंथ्स का आपको हर महीने 938 रुपीज ही देना पड़ेगा। तो एक आपको एकदम क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा रेट्स में, तो प्लीज यूज माय कोड एंड अवेल 10% डिस्काउंट। अभी तक हमने बात की थी अन अकेडमी की नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के बारे में, अब हम बात करेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कितने टाइप की सब्सक्रिप्शन है यार, पहले नॉर्मल सब्सक्रिप्शन बताया अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बताएगी। तो एक बहुत ईजी एग्जाम्पल से हमें समझना है कि सपोज आप दिल्ली टू बॉम्बे ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट में एंड बाय प्लेन ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली टू बॉम्बे बाय फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो। अब उस फ्लाइट में तो होगी बिजनेस क्लास और एक होगी इकोनॉमिक क्लास, नॉर्मल क्लास, ठीक है। तो बिजनेस क्लास वाली जो होगी वहां पे ऑब्वियसली उसका टिकट बहुत हाई होता है। अब टिकट हाई होता है तो जिसने बिजनेस क्लास के टिकट्स लिए हैं उसके यू नो थोड़े कंफर्ट और ज्यादा होंगे, थोड़े बेनिफिट, थोड़ी लग्जरी और ज्यादा होगी, राइट। तो वैसे ही है आइकॉनिक और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, जाना आपको दिल्ली टू बॉम्बे ही है। अब आप बिजनेस क्लास में बैठो या किसी और क्लास के टिकट लो, बट बिजनेस क्लास के जो है बेनिफिट थोड़े से ज्यादा होंगे। वैसे ही
आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लो तो आपको दुनिया भर के बेनिफिट सन अकेडमी देगी, बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उन दुनिया भर के बेनिफिट्स के साथ साथ थोड़े और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वो क्या बेनिफिट्स हैं? तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, ये मेंटर आपको अच्छे से गाइड करेगा, वन टू वन आपको से यू नो रेगुलरली बात करेगा, आपको गाइड करेगा कि ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे आप और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। दिल गाइड यू विद ऑल द सिलेबस। आपके लाइफ डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, यानी कि आप पर्सनली पूछ सकते हैं, आप एक्सक्लूसिवली अपनी क्लासेस में एजुकेटर से अपने सारे एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी सो दैट यू कैन एनालाइज योर प्रोग्रेस, यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि पूरे जो महीने में है आपने कैसे परफॉर्म किया, आप कहाँ ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ यू नो यू आर स्टिल वीक ऑन वॉट ऑल एरियाज, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसकी पूरी आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी, हर वीक अन अकेडमी आपको ऐसी रिपोर्ट्स देगा आपकी परफॉर्मेंस की, प्लस एकदम स्कूल वाली फील्स देते हुए पेरेंट एंड एजुकेटर का कनेक्ट भी होगा। सो पेरेंट एजुकेटर कनेक्ट मतलब कि एजुकेटर और पेरेंट की मीट होगी बेसिकली, वेयर द एजुकेटर विल क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ द पेरेंट्स कि मेरे बच्चे को आगे क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कैसे इम्प्रूव कर सकता है, सारे डाउट्स जो हैं पेरेंट्स के एजुकेटर्स क्लियर कर सकते हैं। प्लस स्टडी प्लानर भी मिलेगा, यानी कि अनअकैडमी पूरे एक प्लान बना के आपको देगी कि आपको इस वीक में इस दिन ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इतने टाइम तक, या पूरे महीने में आपको क्या क्या सिलेबस कवर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपका पूरा एक प्लान, पूरा टाइम टेबल बना के देगी। यार इतनी मेहनत कौन करता है आज के टाइम पे बच्चों के लिए, तो ये मेहनत करती है अनअकैडमी एंड दैट इज वाई इट इज द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इसके अलावा जितने भी मैंने नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बताए थे वो सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलते हैं, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये बेनिफिट्स थोड़े से और ज्यादा मिलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से। अब हम बात करेंगे प्राइस की, तो अगेन यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस हैं, 24 मंथ का पैकेज, 18 मंथ, 15 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, अलग अलग पैकेजेस हैं यहाँ पे, आपको जो कन्वीनियंट आप वो पैकेजेस ले सकते हो। अगेन एक साइड में आपको सारे जो प्राइस है वो विदाउट 10% के दिख रहे हैं, और एक साइड में 10% के बाद जो प्राइस है वो दिख रहे हैं आपको। और अब तक तो आपको क्लियर ही होगा कि 10% अगर चाहिए तो आपको मैम का यानी मेरा जो है कोड यूज करना पड़ेगा, वो कोड भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, PJAIN10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा। सो आई होप आपको सारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस वगैरह कैसे अवेल करना है सब एकदम क्लियर होगा। So that's all from my end. Thank you so much for staying tuned and watching this video. And please, please, please like, share and subscribe to this video. आप जितना ज़्यादा like करते हैं और अनअकैडमी के channel को subscribe करेंगे तो हमारे जैसे educators को और ज़्यादा motivation मिलेगा कि हम और best से best content लाके best possible way में आपको वो content present करें, ताकि आपके सारे doubts एकदम clear हो जाएं and you can ace all your school exam. So let's crack it with Unacademy. Together we can crack any exam. Hum aur aap milke koi bhi exam crack kar sakte hain. So let's crack it guys. And thank you so much for watching my video. That was all from my end. Thank you so much.